हेलो एनआईएस स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। और मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए आया हूँ, जिसका आप लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, जो कि है एनआईओएस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो ये कब होगा ये तो आपको पता है, आपको हॉल टिकट में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि हॉल टिकट आपका कैसे डाउनलोड करनी है और कब तक आएगा, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। बट एक मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी है, कब तक आएगा, कैसे डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली, बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वीडियो में, आप बने रहें और ध्यान से सुने मेरी बातों को, ठीक है। देखो, हॉल टिकट आज के डेट में अभी तक आया नहीं है, ठीक है। एक बारी पहले अपडेट भी की गई थी, जैसा कि मैं एक पहले वीडियो में भी बनाया था, जो ज़रूरी की वीडियो है वो मैं बताता हूँ। तो जो पहले जो वीडियो बनाया था मैं, अभी इससे एक दो पहले वीडियो, उसके अंदर मैंने दिखाया भी था, बताया भी था आपको कि हॉल टिकट आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वह टेक्निकल प्रॉब्लम थी और वो ज़्यादा थी, इस वजह से मेरे ख्याल से उसे हटा लिया गया है। अब तो दिखेगा भी नहीं। तो जब भी आप हॉल टिकट डाउनलोड करने जाते हो वो पेज ही नहीं आ रहा, इन द सेंस कि अभी डिक्लेयर किया गया है नहीं, किया गया था, कुछ रीजंस, कुछ कारण रहा होगा वहाँ पर, और टेक्निकल प्रॉब्लम थी वहाँ पर, इश्यूज थी, उस चीज़ को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो उस इसलिए आपका हॉल टिकट अभी भी आया नहीं है। आप यानी कि अब जब आएगा वो पेज, तो आपको वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना है, अपना कैप्चा कोड डालना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। कैसे हॉल टिकट कब आएगा? तो हॉल टिकट जो है, अभी की मैं बात बताऊँ, अभी की डेट की अगर मैं बात बताऊँ तो आज है 9 तारीख और कल हो जाएगा आपका 10 तारीख, ठीक है। और आपको 16 से एग्ज़ाम है, 6 दिन बचेंगे, अगर गैप की बात, 5 दिन बचेंगे बेसिकली, वैसे तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16 से आपसे आपका किसी न किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ही है, प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश किया जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल का जो है आपका एग्ज़ाम का हॉल टिकट आज और कल में आना चाहिए, और स्टूडेंट्स को राहत देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार स्कूल्स, अगर उनका सेंटर दूर पड़ता है तो उसे देखने के लिए भी जाना पड़ता है, तो आज और कल यानी 9 और 10 के बीच में आना चाहिए। इन केस अगर सैटरडे संडे को नहीं आता है तो मंडे तक तो आना ही चाहिए, ठीक है, मंडे तक तो आपका आ जाएगा, राइट। आपको करना क्या है ऐसे में, आपको इसी वीडियो के अंदर मैं वो लिंक दे दूंगा जहां से आप हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को आप सेव कर लो, इसी के अंदर लिंक डालूंगा, दोबारा आओ, अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दो, कैप्चा कोड डाल दो और आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसे आप प्रिंट करवा लेना और फिर आपको प्रैक्टिकल वाले दिन उसे लेकर जाना आई कार्ड के साथ और प्रैक्टिकल फाइल के साथ। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो इसी वीडियो के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, और वैसे तो एक फाइनल वीडियो भी और बनाऊंगा जैसे ही हॉल टिकट आ जाएगा, बट ज़्यादा आपको प्रॉब्लम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ इसी वीडियो के अंदर दोबारा से आप वो चीज़ें आप खोल कर, लिंक में दे ही दूंगा, आप उसे वहाँ से आप ऑन खोल करके लिंक पर क्लिक करके आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है और आपको कैप्चा कोड डालना है और फिर आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यही है अभी का न्यूज़ जो मैंने आपको बताया कि हॉल टिकट के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो, हॉल टिकट आने वाला है तो उसमें थोड़ा सा देरी लग रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आप वेट ही कर लीजिए। दूसरी बात, आप फाइल, जो भी आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, फाइल लेकर जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। फाइल लेकर साथ जाना है, और जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने 8, 9, 10 जितने भी आपने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस उसके अंदर सॉल्व किए वो पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था इस वीडियो के अंदर, जैसे ही आएगा मैं लिंक दूंगा, आपको ओपन करना है और उसके बाद आपको सारा डिटेल डालकर आपको फिर उसे डाउनलोड कर लेना है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थोड़ा सा आप वेट कर ले और मैं इसी वीडियो में लिंक डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है।